तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन से बड़ी खबर निकलकर आई है। परवालू टिम्बर ट्रेल में फंसे 11 पर्यटक, रेस्क्यू जारी है। दरअसल 10 ने रस्सी के सहारे उतरने से मना कर दिया, हवा में अटकी है ट्रॉली। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार पर वाडू के TTR होटल में रोपवे में तकनीकी खराब आने के कारण फंसे हैं सभी 11 पर्यटकों को रेस्क्यू किया कर लिया गया है। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ओमकार चंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन और पुलिस की टीम ने 11 लोगों को सुरक्षित निकाला है। बताया जा रहा है कि घटना करीब 1:45 की है, जब पर्यटक केवल कार से होटल मोक्षा परवाड़ू की ओर जा रहे थे कि अचानक ट्रॉली बीच में ही फंस गई। इससे ट्रॉली में बैठे 11 लोगों की सांसें अटक गईं। सबसे पहले महिला सहित 4 लोगों को निकाला गया, इसके बाद अन्य को रेस्क्यू किया गया है। ASP सोलन अशोक वर्मा ने बताया कि सभी को लोगों को निकाल लिया गया है। हम लोग टिम्बर ट्रेल परमाणु हिमाचल प्रदेश के ट्रॉली में लगभग 1.5 घंटे में रास्ते में अटके हुए हैं और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और अभी तक कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं हुआ कि हमको कैसे निकाला जाएगा। आप इनके विचार सुनिए भाई साहब के। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिशुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्से से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है जी रस्ते से उतरने में? भैया मैं शुगर BP की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, घुटने की परेशानी, मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। भाभी जी आप? सर आई एम अ हार्ट पेशेंट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट डाउन लाइक दिस। हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, हम रस्सी से नहीं उतर सकते हैं। डेढ़ घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं, हालत खराब हो चुकी है अंदर से बहुत ज्यादा। हेलो आप भाई साहब? हेलो आपके घर वाले परेशान है सब? बहुत परेशान है जी, बहुत देर से हो गई, हम दिक्कत में हैं बहुत ज्यादा जो है। हम लोग 1 घंटे से टिम्बर ट्रेल की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे थे और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। इसमें बुजुर्ग लेडीज है और बुजुर्ग लोग हैं, रस्सी से उतारने की बातें कर रहे हैं हमारे को और कभी कहते हैं रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं मेरे पैर में दर्द है। हम लोगों की एज भी है, देखो हम लोग नहीं कर पाएंगे रस्सी से उतरना नीचे, हम बहुत और ये लोग कुछ नहीं एक्शन ले पा रहे हैं। भाई साहब आप कितनी देर से फंसे हुए हैं? भाई साहब 1 घंटा हो गया, घबराहट हो रही है बहुत, BP का मरीज कैसे करूंगा, मैंने कुछ खाया भी नहीं। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। अरे मेरी दवाई मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को BP और शुगर रहता है, मेरे को 1 घंटा हो गया है, BP शुगर रहता है और मैं इतने देर तो काफी कुछ कोशिश तो कर नहीं रहे हैं। ये कभी कह रहे रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे हैं इससे उतारेंगे, हम लोग रस्सी से उतारने लायक है और जंगल में कहाँ उतरेंगे हम लोग। भाई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? कर रहे सर, कर रहे। क्या कार्रवाई कर रहे 1 घंटे से बताओ, कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू करेंगे सर। रेस्क्यू करेंगे।